बहुत जाने हाथ है ये हाथ हमको दे दे ठाकुर, ये हाथ हमको दे ठाकुर। सीमा पहली बात तो मुसलमान है पाकिस्तान की, वो पाकिस्तान की हिंदू है नहीं, तो सीमा खुद को मुस्लिम मानती ही नहीं है, गैर मुस्लिम के मानने से सनातनी मानती है। मैं गुलाम सरवर नहीं मानता हूँ, मैं देश का प्रधानमंत्री मानता हूँ। होगा क्या, जूते का माला ही तो मिलेगा ना नीचे, या पागल खाने में लोग पकड़ के हमको डाल देंगे, रांची भेज देंगे या शाहदरा भेज देंगे। मानने जबरदस्ती की बात मैं नहीं मानता हूँ। जो लोग भी CAA को सीमा से जोड़ रहे हैं, ये समझिए कि वो लोग देश को या तो मूर्ख बना रहे या स्वयं वो मूर्ख हैं। दो ही बातें होंगी। CAA में स्पष्ट लिखा हुआ है कि भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन तीन देशों से वो माइनॉरिटी, उन देशों के माइनॉरिटी की बात कर रहा हूं, वो माइनॉरिटी जो धर्म के नाम पर प्रताड़ित होकर भारत में शरणार्थी के तौर पर आए हैं, वो भी 31 दिसंबर 2014 से पहले उनका कट ऑफ बन गया। अब उसके बाद वाले नहीं कि डेली भाग के आ जाएंगे, डेली भाग के आ जाएंगे, उनको लड्डू खिला रही है, मिठाई खिला रही है, और मीडिया वाले दिखा रहे हैं कि सीमा जश्न मना रही है तो नाच रही है, तो गुलाल उड़ा रही है, और कई शरणार्थियों की और तस्वीरें आई है कि वो भी नाच रहे हैं। जबरदस्ती तुम नाच रहे हो यार, तुम्हारे नाचने गाने से कुछ होगा, पहले तो वो कागजवा दिखाओ कि तुम 2014 से पहले आए या नहीं आए। आए तो कैसे आए, कहां से आए, तुम हो क्या, तुम हिंदू हो के मुस्लिम हो के सिख हो के ईसाई हो क्या। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं BCS न्यूज। आपको बताना चाहेंगे, दो दिन पहले जहां सीमा हैदर ने सालगिरह मनाई है, अपनी पहली सालगिरह, उन्होंने कहा कि 12 मार्च को नेपाल में मेरी शादी हुई थी तो हमारी पहली सालगिरह भारत में मनाई जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ गुलाम हैदर के वकील का कहना है कि मछली जाल में फंस चुकी है, यानी कि अब सीमा हैदर की जेल पक्की है। CAA से लेकर तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। गुलाम सरवर हमारे साथ मौजूद है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, पिछले दो दिनों से जब से CAA का ऐलान हुआ है कि भाई इम्प्लीमेंटेशन हो चुका है, लागू कर दिया गया, अधिसूचना जारी हो गई है, तब से देश में नेशनल मीडिया, जिसको आप कहते हैं मेन स्ट्रीम मीडिया, वो भी ये दिखा रही है कि अब सीमा हैदर को मिलेगी नागरिकता। बड़ा आश्चर्य होता है कि कितने कंफ्यूज, पहले तो लोग कह रहे थे कि मुसलमान कंफ्यूज है, मुस्लिम लीडरान कंफ्यूज है, अब तो लगता पूरा देश कंफ्यूज है। जब उसमें लिखा हुआ है कि 31 दिसंबर 2014 से पहले जो भगोड़े आए होंगे बगैर कागज पत्तर के, बगैर लीगल किसी प्रूफ के, वो भी पीट के जो आए हैं, धर्म के नाम पर जिनके साथ भेदभाव हुआ है और वो धार्मिक अल्पसंख्यक है उन तीनों देशों के, उनके लिए CAA है। सीमा पहली बात तो मुसलमान है पाकिस्तान की, वो पाकिस्तान की हिंदू है नहीं, एक बात। दूसरी बात, वो भाग के पीट के नहीं आई है, वो तो भाग के आई है। तीसरी बात कि वो तो अब आई है, पहला सालगिरह मना रही है, 2014 से पहले वाली तो है नहीं। तो फिर ये नेशनल मीडिया पूरे देश को कंफ्यूज क्यों कर रहा, और फिर ये जो भक्त गण है हमारे, ये क्यों कंफ्यूज कर रहे हैं? तो CAA पे हमको लगता है कि सरकार भी कंफ्यूज है। जब मेन स्ट्रीम मीडिया कंफ्यूज है तो इसका मतलब है कि सरकार भी कंफ्यूज है, भक्त भी कंफ्यूज है, मुसलमान तो कंफ्यूज बेचारा है ही। तो सीमा खुद को मुस्लिम मानती ही नहीं है, गैर मुस्लिम के मानने से सनातनी मानती है। मैं गुलाम सरवर नहीं मानता हूं, मैं देश का प्रधानमंत्री मानता हूं। होगा क्या, जूते का माला ही तो मिलेगा ना नीचे, या पागल खाने में लोग पकड़ के हमको डाल देंगे, रांची भेज देंगे या शाहदरा भेज देंगे। मानने जबरदस्ती की बात मैं नहीं मानता हूं। ये तो वही बात हो गई, भक्तों की एक टोली दी, कहा जी बता दो, दो और दो चार कितने होते हैं, बोला दो और दो कितने होते हैं, बोला चार, बोला मैं नहीं मानता हूं। ये ना मानने का तो कोई इलाज ही नहीं है। है तो वो मुस्लिम, भाग कर आई है, पति को छोड़कर आई है और अपने चार बच्चों का को लेकर भाग के आई है, कई देशों में घूमते भटकते वो नेपाल आई है, और नेपाल से जैसे अपराधियों को पकड़ा जाता है, पता नहीं सीमा को क्यों नहीं भारतीय एजेंसियां पकड़ पाई और वो यहां तक घुस के चली आई, ये तो एक अलग विषय है। लेकिन CAA को लेकर जो बातें हो रही है और सीमा से उसको जोड़ा जा रहा, जो लोग भी CAA को सीमा से जोड़ रहे हैं, ये समझिए कि वो लोग देश को या तो मूर्ख बना रहे या स्वयं वो मूर्ख हैं। दो ही बातें होंगी। CAA में स्पष्ट लिखा हुआ है कि भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन तीन देशों से वो माइनॉरिटी, उन देशों के माइनॉरिटी की बात कर रहा हूं, वो माइनॉरिटी जो धर्म के नाम पर प्रताड़ित होकर भारत में शरणार्थी के तौर पर आए हैं, वो भी 31 दिसंबर 2014 से पहले उनका कट ऑफ बन गया। अब उसके बाद वाले नहीं कि डेली भाग के आ जाएंगे, डेली भाग के आ जाएंगे, उनको लड्डू खिला रही है, मिठाई खिला रही है, और मीडिया वाले दिखा रहे हैं कि सीमा जश्न मना रही है तो नाच रही है, तो गुलाल उड़ा रही है,
और कई शरणार्थियों की और तस्वीरें आई है कि वो भी नाच रहे हैं जबरदस्ती। तुम नाच रहे हो यार, तुम्हारे नाचने गाने से कुछ होगा, पहले तो वो कागजवा दिखाओ कि तुम 2014 से पहले आए या नहीं आए, आए तो कैसे आए, कहां से आए, तुम हो क्या, तुम हिंदू हो के मुस्लिम हो के सिख हो के ईसाई हो क्या, उस कैटेगरी में वो जो पॉइंट्स टोटल दिए गए हैं सीए में उसको फुलफिल आप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये सवाल है। लेकिन सवाल पूछे कौन, यहाँ तो पूरे देश में ड्रामे हो रहे हैं, उस ड्रामे का एक महत्वपूर्ण मने उसको पात्र बोलिए रोल बोलिए वो सीमा कर रही है, और सीमा के पीछे सारी सीमाओं को तोड़कर ये मीडिया भी घूम रही है। मीडिया के लिए भी कोई सीमा नहीं है, सारी सीमाओं को जो है सीमा सरहद को तोड़कर और सीमा के पीछे जो हाथ धोकर ये लोग पड़ा है, पूरे देश के लोग हंस रहे हैं भैया हो क्या गया मीडिया। राम सरवर जी चकाचक आपने सूट बूट पहना है, ऐसे ही बढ़िया सा सूट बूट पहना था सचिन ने 2 दिन पहले, वो तो माला भी डलवाई। सचिन तो खुश नसीब है कि उसको जो मोहल्ले का गली का कुत्ता भी नहीं जानता था, जिसको पूरा भारत आज जान रहा, उसके लिए तो यही बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। उसको कौन जान रहा था, गली मोहल्ले का कोई बच्चा भी नहीं जान रहा था, न देखने का न सुनने का, वजन करो मुंह देखो चेहरा देखो, लोग कहते हैं वो एक महिला बेचारी सच बोल दी थी तो उस पर किसी ने मानहानि का मुकदमा कर दिया था, जो बोल दिया था तो, लेकिन वो गलत नहीं बोली थी, वो महिला एकदम 100% सही बोली थी। सच्चाई यह है कि जो जैसा है उसको वैसा ही कहा जाता। सीमा को शाहरुख खान लगता है सचिन? नहीं नहीं, सीमा को लगता हो तो लगता, प्यार अंधा होता लोग कहते हैं तो अंधा को क्या पता, हाथ हाथ से देख आइडिया लगाया, समझिए ना। तो चार अंधे एक शहर में गए, चारों ने प्लान बनाया कि हमें हाथी को देखना है। अब चारों अंधा था तो हाथी देखता कैसे, तो हाथी को टटोल कर ही तो देखना था, तो टटोलने लगा तो एक अंधे के हाथ में हाथी का पूंछ आया, एक अंधे के हाथ में हाथी का पैर आया, एक अंधे के हाथ में हाथी का कान आया, और एक अंधे के हाथ में हाथी का पूंछ आया। चारों वहां से निकला, बोला यार हाथी मैंने देखा, बड़ा जबरदस्त सूप की तरह होता है। दूसरे ने बोला बट तुमने गलत देखा यार, हाथी तो पाए की तरह होता है। तीसरे ने कहा यार तुमने भी गलत देखा, हाथी ने एकदम पाइपलाइन की तरह होता है, बिल्कुल मैं ना उसके बीच में होल होता है। बोला यार तुम सब कंफ्यूज हो, हाथी तो रस्सी की तरह होता, उसने पूछ पकड़ा था। तो ये चारों अंधे, तो वैसे ही बेचारा सचिन और बेचारी सीमा, किसी को शाहरुख दिख रहा, किसी को हेमा मालिनी दिख रहा, बेचारा मानते हैं ना। देखिए बेचारी को 6 करोड़ का नोटिस भेज दिया है, मैं तो कह रहा हूँ कि इन दोनों का मसला वही है, कोई आप किसी को हेमा मालिनी नजर आ रही है सीमा, किसी को सीमा को शाहरुख नजर आ रहा, और ना जाने क्या क्या नजर आ रहा, तो नजर आता रहेगा। कुल मिला के ये सब बकवास की बातें हैं, कानूनी दाव पेच से उनको गुजरना ही पड़ेगा, न सीमा बच सकती है न सचिन पर एक शरणार्थी को असंवैधानिक रूप से शरण देने का जो मुकदमा चलेगा, देर सवेर चलेगा। एक से एक लोग हमारे भारत में ले लिया ना, अभी उसने मलिक ने खोपचे में मजे ना वकील साहब को भी, एपी सिंह मोमिन मलिक ने एपी सिंह को भी ले लिया, बड़े प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे एपी सिंह जी बैठ बैठ के, मैं लड़ूंगा मैं न्याय दिलाऊंगा मैं नागरिकता दिलाऊंगा मैं फला दिलाऊंगा। हालांकि नागरिकता पर एक बात मैं बता दूं, मैं कंफ्यूज नहीं हूं, नागरिकता किसी को भी मांगने का सरकार से अधिकार है। सीए जो ये संशोधित बिल है इसके अतिरिक्त की बात कर रहा हूं, कोई भी व्यक्ति मांग सकता है, तो सीमा भी मांग सकती है, लेकिन सीए से नहीं आएगी वो प्रॉपर जो चैनल पहले से है नागरिकता का उससे आएगी, वो सीए से नहीं आ सकती है। तो अब वकील साहब बेचारे जो रात दिन मीडिया में छाए थे, अब वो सन्नाटा छाया हुआ, मातम छाया हुआ, होगा क्या, बहरहाल किस दिन वो तारीख पड़ेगी, जिस दिन वकील साहब अपनी बात रखेंगे, मोमिन मलिक के सवालों का जवाब देंगे, नोटिस का जवाब देंगे, वो तो प्रतीक्षा सारे लोग की लाइनें देखिए, प्यार के लिए नहीं, एपी सिंह जैसी लाइनें मारते हैं कि प्यार के लिए सीमाओं ने सारी सीमाएं पार कर दी हैं, तो क्या हो गया, लैला मजनू मानी है, हीर राजा मानी है। आप प्यार के लिए नोट का बंडल भी एपी सिंह जी तैयार रखे, बहुत पॉपुलर हो गए हैं। अगर अदालत ने सही ढंग का रिमांड लिया, जैसा भी एसबीआई में रिमांड लिया ना अदालत ने, अदालत को लोग यहाँ पहचानते नहीं, किसी दिन मुड में अगर जज बैठ गया तो समझ लीजिए कि उस दिन बेड़ा पार हो जाएगा, फिर एपी सिंह जी जो बचा कुचा है कमाए हैं वो सब गिनते गिनते ही परेशान हो जाएंगे। देखिए ये बिल्कुल ड्रामा है, शुरू के दिनों से मैं ये बात कह रहा हूँ, कोई प्यार नहीं है, इसके पीछे कुछ और राज है, इस प्यार को कभी प्यार मान, प्यार में आंखों का मिलना बात समझिए ये लाजमी है, और वो तस्वीरों से नहीं, जो गाना है जो बात तुझ में है तेरी तस्वीर में नहीं, ठीक है, और क्या होता है धीरे धीरे नजरें मिली दिल धड़का, और क्या क्या जो गाने हम लोग सुनते हैं, मोहब्बत और दुनिया जहान के मामले, तो नजरों का जब तक आंखों से आंखों का मिलन नहीं होता और जब तक सामने उसका दीदार नहीं होता तब तक हकीकी प्यार नहीं होता। ये सोशल मीडिया पे चैट किया तो चैट करो तो एक हजार लड़की एक हजार लड़का वही बैठा हुआ, हम तो हजार ऐसे बोल रहे हैं, लाखों लोग उसी पर बैठे हुए हैं,
सोशल मीडिया को पता नहीं कितने साइट है जहां खोलिए लड़का ही लड़की और है क्या। टोटल सोशल साइट पर आप जाएं, वर्ल्ड लेवल पे आपको मिलेंगे तमाम दुनिया के देशों की लड़कियां लड़के आपस में लिखा पढ़ी कर रही थी, लेकिन इससे कहीं प्यार होता है? प्यार का एक अलग लॉजिक है, ये कहीं लॉजिक सेट नहीं हो रहा। सीमा क्यों आई, कैसे आई, आज भी वैसे ही जांच का विषय बना हुआ जैसे शुरू के दिनों में था। मुझे लगता है कि सीमा को लेकर भी कहीं ना कहीं राजनीति लोग कर रहे हैं, एक मैसेज दे रहे हैं कि मुस्लिम महिला को हमने नॉन मुस्लिम बनाकर ठीक है रख लिया, जैसे वो पाकिस्तान के पागलों ने अंजू के साथ किया, ठीक है, जो न कानूनी सही किया न धार्मिक दृष्टिकोण से सही किया, और वहां मौलवी लोग लगे हुए हैं, जितना पाकिस्तान का पागल मौलवी है वो अंजू के पीछे लगा हुआ, उसका नाम फातिमा और निकाह और शादी सब करके रख दिया। तो यहाँ सीमा के साथ भी लोगों ने सब कुछ कर दिया, सनातनी बन गई, बच्चों का नाम भी सनातनी बन गई, और लोग जो है मजे में ये कर रहे हैं कि अब एक मतलब हमने पाकिस्तान का एक विकेट गिरा, भाभी बोलिए भाभी, ये कोई ये मैच है क्रिकेट का क्या, एक विकेट तुमने गिराया था एक विकेट हमने गिराया, और ये क्या, ये सब बेकार की बातें, टोटली फॉल्स है। और आखिरी बात ये जान लीजिए कि सीए से जश्न जो को लोग मना रहे हैं वो माने बिल्कुल अंधेरे में जी रहे हैं, कोई जश्न मनाने की जरूरत नहीं, सीए से सीमा का कोई लेना नहीं। आप रघुपुरा भी नहीं गए, उसने कहा जितने भी देशवासी हैं क्योंकि वो सबसे प्यार कर दिया है, तो लोग रघुपुरा में आए, हमारी सालगिरह में दावत भी दी थी उसने। हमारे वो तो चंदा करने का उसका एक तरीका, वो सोशल साइट पे भी अपील करती है, और इमोशनल ब्लैकमेलिंग है ये, और अर्निंग का एक रास्ता है। चंदा बटोरने के कई रास्तों में से एक रास्ता ये भी है कि धार्मिक भावनाओं को भड़का कर लोगों को अपने ओर आकर्षित करके उनसे धन प्राप्त करना और उसी से अपने जीवन में ऐश मौज करना। मैं इसका कायल नहीं हूं, कोई रघुपुरा बुलाए या कहीं भी बुलाए, ये कोई दावत नहीं और ये कोई निमंत्रण नहीं। आप दोनों का जो मामला है देश की नजर है, हर बुद्धिजीवी समझ रहा है कि ये खेल क्या हो रहा, पर्दे के पीछे क्या है, इसका विलन कौन है, इसका हीरो कौन है, इसका लेखक कौन है, पटकथा किसने लिखी है, सब लोग समझ रहे हैं। इसलिए ये सब सोशल मीडिया तक ही रहने दीजिए, इसको धरातल पर मत उतरने दीजिए। तो क्या कहना चाहेंगे सीमा के, आप जाने के आसार हैं, क्योंकि मोमिन मलिक का तो कहना है कि कम से कम 5 साल की जेल होगी। हो जाए तो अच्छा है, मैं तो कह रहा हूं कि अगर ऐसा हो जाए तो अच्छा है, आने वाले दिनों में ऐसे लोगों को सबक तो मिलना ही चाहिए। प्यार नहीं टिकेगा इस बार? नहीं, प्यार ये बिकाऊ प्यार है, टिकाऊ है ही नहीं। जो बिककर आया हो, सौदेबाजी होकर आया हो, वो टिक कैसे जाएगा, ये टिकने वाली चीज ही नहीं है। तो बच्चा भी बेबी भी होने वाला है। देखिए जो कुछ भी हो रहा है, बहरहाल सरकार की नजर है, देर सवेर खबरें, मैं शुरू से कह रहा हूँ आज भी कह रहा हूँ, देर सवेर कोई नया खुलासा होगा और सब लोग चौकन्ने हो जाएंगे, सन्न हो जाएंगे उस खबर को देख। तो गुलाम सरवर का गुलाम हैदर को समर्थन है? नहीं, गुलाम हैदर को भी समर्थन नहीं है, वो भी कमबख्त कैसा था कि बीवी को नहीं संभाल पाया और बीवी भाग गई बच्चों समेत, इसलिए वैसे मर्द को हम समर्थन नहीं करते हैं जो अपने बीवी को ना संभाल पाए, अपने बच्चों को ना संभाल पाए, कहीं ना कहीं उसके अंदर भी कमी है। लेकिन उस कमी का ये जवाब नहीं है जो जवाब सीमा ने दिया। तो सीमा हैदर को जेल जाना तय है, ये तो कोर्ट अदालत इसका फैसला सुनाएगा, लेकिन अभी इस खबर के बारे में और सीमा के जो पहली वर्षगांठ मनाई गई है उसके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, क्या सीमा हैदर को वापस पाकिस्तान जाना चाहिए या नहीं?